तो आज हम आ गए नासिक के फेमस समर जूस सेंटर, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मशीन द्वारा जूस लगाया जाता है। तो चलिए चलते हैं इनके जूस की मेकिंग देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो सर अपना नाम बता दीजिए। अरुण शेवाड़। तो सर कितना टाइम हो गया शॉप इसको? 61 साल हो गए। 61 साल हो गए। यहाँ पे सिर्फ एक ही जूस मिलता है? यहाँ पे एक ही मिलता है। हमारे और दो ब्रांचेस है, एक पेट है स्कूल, एक कॉलेज है, वहाँ पे बाकी सब आइटम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्प आ चुका है पाइनएप्पल का, और मशीन में डाला जा रहा है। सबसे पहले पाइनएप्पल का पल्प लेके आते हो, ठीक है? तो फिर मिक्स जो होता है इसी में होता है? हाँ, इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाइप के द्वारा यहाँ पे जूस डाला जा रहा है। ये पूरा का पूरा कंटेनर जूस से भरा जाएगा। एक कंटेनर में पल्प रहता है, एक में जूस रहता है। तो सर की शुरुआत किसने की थी? हमारे पिताजी ने की। तो सर जूस का प्राइस कितना रहता है यहाँ पे? यहाँ पे 40 रुपये। 40 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हो मशीन में ग्लासेस लगाए जा रहे हैं, और सबसे पहले यहाँ पे पाइनएप्पल का पल्प जा रहा है, उसके बाद फिर पाइनएप्पल का जूस आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम डाली जाती है, वो भी पाइनएप्पल फ्लेवर की। और सर ऐसी क्या खास बात है कि लोग इतना पसंद करते हैं आपका जूस नासिक में? ये जो है ना, ये सब फ्रेश मटेरियल में बनता है, इसमें इसे वगैरह कोई नहीं रहता। फ्रेश पाइनएप्पल में बनता है, एकदम फ्रेश नेचुरल रहता है। नेचुरल और क्वालिटी बढ़िया रहती है। इसमें सब पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल क्रश, और उसमें मिल्क का वो जो शेक रहता है वो भरा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जूस की पैकिंग चल रही है, जो जूस की पैकिंग का ग्लास रहता है वो 45 रुपये का रहता है। तो आप क्वांटिटी देखते हो, मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कभी एक साथ जूस रखते हुए नहीं देखा। तो अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो आप नासिक में आके इसको ट्राई कर सकते हो। तो आप देखते हो हमारा जूस रेडी हो चुका है, अब इसमें आइसक्रीम डाली जा रही है। जो आइसक्रीम रहती है वो भी पाइनएप्पल फ्लेवर रहता है। तो फाइनली नासिक का फेमस समर जूस का यहाँ पे पाइनएप्पल जूस लग चुका है। तो आप देखते हो ये है इनका जूस का ग्लास, जिसका प्राइस रहता है 40 रुपीज़। 40 में आपको एक ग्लास मिलेगा जिसमें कि आइसक्रीम रहती है ऊपर, ये भी पाइनएप्पल फ्लेवर की रहती है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो पाइनएप्पल जूस तो मैंने बहुत बार पिया है, बट इनका जो पाइनएप्पल जूस है काफ़ी डिफरेंट है, बहुत टेस्टी है। तो यहाँ के जूस की खास बात ये है कि जूस के साथ इसका पल्प भी आता है, ऊपर से जो मैंने आइसक्रीम डाली है पाइनएप्पल फ्लेवर की, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और सर टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की? यहाँ से सवेरे 10 से रात को 10 बजे। और हफ्ते में कितने दिन ओपन रहती है? 24 यानी 12 महीने। 12 महीने छुट्टी नहीं रहती। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना। ये रविवार कारंजा है, या चांदी का गणपति, उसके नीचे मेन रोड का कॉर्नर है इधर, ये रविवार कारंजा। तो अगर आप भी नागपुर रहते हैं, विजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे आके इसको जरूर ट्राई कीजिए, 40 रुपये का ग्लास रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Yeah, that's right.